গাতে মা ওড়িশাখন ব্লক নিত বেগনীয়া দাৰেণ্ড আমি প্লানে জেচে কিন্তু हमारे सरवाइव करें और अभी आपको बड़े प्लांट भी मिलेंगे और छोटे प्लांट भी मिलेंगे सो ये सब जो कि मेरे यहाँ पर न्योले सब ये सब मिट्टी से निकाल देते हैं सो उनका का गया को अगर बड़े प्लांट आप लेते हैं तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रहता है और इतने छोटे प्लांट तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम रहता है जैसे कि ये वाले प्लांट जो कि ट्वेंटी रुपीज करके और बड़े प्लांट आपको फिफ्टी करके पड़ जाएंगे और उसमें ब्लूमिंग हो चुकी होती है तो आपको पता चल जाता है कि उसमें कलर कौन सा खिलेगा बस थोड़ा बहुत आपको यानी कि ध्यान रखना है इसको लगाने के टाइम जो कि अगर आप छोटा प्लांट ले रहे हैं छोटा प्लांट अगर ले रहे हैं तो वो कोकोपीड में लगा हो रहता है सो उसकी यानी कि कोकोपीड आपको निकाल के इसको लगाना पड़ेगा और इसकी मिट्टी जितना वेल ड्रेन बनाएंगे उतना अच्छा रहता है रिसेंट इन रिपोर्ट में अभी इसको रिपोर्ट की हूँ जो कि प्लांट मेरा बहुत ही अच्छा है और हेल्दी है और छोटे प्लांट में आपको फ्लावरिंग पता नहीं चलेगा कि कौन सा कलर खिलेगा और जब भी आप लगाते हैं अगर उसमें ब्लूमिंग हो रही है तो उसके फ्लावर का आपको रखना नहीं है नौ न झांची अभी देखिए ये पूरा कोकोपीड में हमारे इधर जो भी छोटा प्लांट मिलता है सो कोकोपीड में ही लगा हुआ रहता है तो कोकोपीड को मुझे निकालना पड़ता है उससे बहुत सारे प्लांट भी खराब होते जब भी आप निकालते हैं पूरा कोकोपीड को मत निकाले आधा बहुत निकाल दीजिए वो सर्वाइव कर लेगा अगर आप पूरा इसको निकाल देते हैं तो उसमें थोड़ा सा यानी कि सर्वाइव करने का चांसेस बहुत थोड़ा सा कम रहता है सो so, मेरे तो सारे प्लांट बच ही जाते हैं कोई खराब नहीं होता है और ये वाले देखिए इसको मैं लगाकर ये वन वीक हो चुका है प्लांट मेरा सेट हो चुका है और बहुत हेल्दी ग्रो कर रहा है और इसकी कटिंग बहुत इजीली लग जाती है जैसे बेगोनिया की इं, सॉरी इंपेक्शन की कटिंग जैसे लगती है उसी तरह इसकी भी कटिंग लग जाती है और अभी इसमें आप फ्लावरिंग मत ले जैसे कि प्लांट आपका घना और ज्यादा घना हो और बड़ा हो अगर आपके प्लांट में ब्लूमिंग हो रही है तो उसको आप कट कर दीजिए जिससे कि प्लांट की, की ग्रोथ में अपनी एनर्जी दे और ये वाले जो कि मैंने लास्ट ईयर के प्लांट है जो की बहुत ही अच्छी और बहुत हेल्दी है और इसकी जो भी फ्लावर में इनको कट कर दी हूँ क्योंकि फ्लावर में अगर भी रखूंगी तो ये प्लांट उतना अच्छा घना नहीं होगा और इसकी मिट्टी आप जितना वेल ड्रेन और हल्का बनाएंगे उतना अच्छा रहता है मेरा एक हिस्सा सेंड है एक हिस्सा मिट्टी है और आधा हिस्सा है और एपोल और डीएपी है और मैं और कुछ खाद नहीं मिला रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कुछ और खाद नहीं है सो तो नुकू कोके मते हैं रोहित कुना जहाँ से अड़ी हल्का और भूर भूरा हासा आज जहाँ से दारे लगे अड़ी बैसा और ये वाले जो कि सकुलेंट की तरह ही है सो इसके लिए आपको जितना हल्का मिट्टी बनाएंगे उतना अच्छा रहता है इसके लिए सो so, उसके लिए ज्यादा गहरे पोर्ट की भी जरूरत नहीं होती है सो so, आप चार इंच पोर्टे सिक्स इंच पोर्ट में भी आप लगा सकते हैं आप अच्छा अगर आप सिक्स इंच के पोर्ट में लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये पानी का ध्यान रखना पड़ेगा और ये सब जो की खाद है और आप एक हिस्सा अगर गोबर की खाद या तो बर्मी कंपोस्ट होता है तो वो भी अच्छा रहता है आप पांच इंच के पौड़ में भी आप इसको लगा सकते हैं so, सो दारे जी हुंगे रोहे पे अगर आपका प्लांट छोटा है तो छोटे से पोड में लगाइए जो कि इसके लिए बहुत अच्छा रहता है ओवर वाटरिंग से ये बचेगा अगर आप वाटरिंग सही तरीके से कर सकते हैं और ये वाले देखिए कटिंग जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत हेल्दी ग्रो हुई है और मैं इसको लगा रही हूँ इसके रूट्स को मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं की क्यों हूँ जिससे कि प्लांट मेरा पूरा सनलाइट में इसको रखूंगी अगर मैं इसकी रूट ज्यादा छेड़छाड़ करती तो इसको थोड़ा सा दो तीन दिन के लिए मुझे स्ट्रेट में इसको रखना पड़ता पर मैंने इसकी रूट बहुत अच्छी तरह से निकाली हूँ सो तो इसलिए इसको मैं पूरा सनलाइट में रखू और इसको यानी कि विंटर की सनलाइट बहुत ज्यादा पसंद है जितना सनलाइट मिलेगा उतना अच्छा ग्रो हो करेगा सो तो उन्ह बेसा उन्हें हेल्दी या आधारे नु की निंचिंग नहीं पे यानी कि इसको ज्यादा पिंचिंग आपको करने की जरूरत नहीं होती है बस इसकी यानी कि बीच बीच में कटिंग कीजिए जो कि उसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं और फ्लावरिंग अभी इनकी मत लीजिए क्योंकि अभी इसका फ्लावरिंग का टाइम नहीं है अगर आप अभी से फ्लावरिंग लेंगे तो ये प्लांट उतनी घना यानी उतना अच्छा नहीं दिखेगा और इसको यानी कि अभी आपको फर्टिलाइजर नहीं देना है आपको टू मंथ या तो वन मंथ के बाद देना है प्लांट की ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको फर्टिलाइजर देना और इसके लिए ये आप सरसों की खली बेस्ट रहता है सरसों की खली और नीम खली को मिला के जो खाद देते हैं वो बहुत अच्छा रहता है और उसमें बहुत अच्छी रिजल्ट देता है और बीस मिनट में थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ता है अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो इसमें देखिए ये गलना स्टार्ट कर देता है सो इसको थोड़ा सा सेंडी सोयल पसंद है